हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। सो आज हम बात करने वाले हैं अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज के बारे में। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, जितने भी वीडियो देखे हैं इस कॉलेज के बारे में उसके अंदर 99% वीडियोस के थंबनेल के ऊपर आपने सबसे पहले यही देखा होगा कि दिस इज़ फेक, दिस इज़ नॉट वैलिड, फेक फ्रॉड, डिग्री वैलिड नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो आपका दिमाग तो सबसे पहले ही ख़राब हो गया कि भैया सब जगह फेक ही दिखाया जा रहा है, क्या सारा सीन है। तो आज अपन कंप्लीट के अंदर चर्चा करेंगे एडमिशन का क्या सीन रहता है, क्या यहाँ पे प्लेसमेंट होता है, स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी होती है, कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, टीचिंग क्वालिटी कैसी है, यहाँ का जो है मैनेजमेंट कैसा है, कॉल सेंटर कैसा है, एडमिशन हेल्पलाइन कैसा है, कंप्लीट के अंदर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और आई थिंक यूट्यूब का सबसे बेस्ट रिव्यू वीडियोज होने वाला है ये, राइट। सर इतने वीडियोज़ बन चुके हैं इसके ऊपर रिगार्डिंग, ऑलमोस्ट वीडियो में यही लिखा गया कि फेक 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 फेक। तो क्या सच में ये फेक है? सर ऐसा नहीं है, ठीक है। हो सकता है इन फ्यूचर सबसे पहले जब कॉलेज स्टार्ट हुआ हो तो उस टाइम ऐसा कुछ इश्यू रहा हो, लेकिन अभी जो कंडीशन चल रही है दिस इज योर दिस कॉलेज कोर्सेज इज अप्रूव्ड प्रेजेंट टाइम। अभी ऑलमोस्ट जो है UGC IIT या फिर जो भी मेडिकल के कोर्सेज हैं सारे के सारे अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, इट्स ओके। देन जो सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन आता है कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इसके अंदर क्या लैब्स वगैरह भी हैं, क्या क्लासरूम में बच्चे आते हैं, कौन कौन कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, क्लासें कैसी चलती है, गार्डन कैसा है, बिल्डिंगें कैसी है, क्या क्या फैसिलिटी कॉलेज प्रोवाइड करता है, और सबसे अच्छा ऑप्शन क्या कॉलेज वाईफाई भी देता है, राइट, क्योंकि वाईफाई की नीड अभी प्रेजेंट टाइम बहुत ज़्यादा है। सो यार इन सब की रिसर्च के लिए मैंने सबसे पहले जो है फॉर्म निकाला, फॉर्म जो भी मेरे कॉन्टैक्ट्स थे वहाँ पे सभी को शेयर किया स्टूडेंट्स को। देन मैंने गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया, यूट्यूब पे जब मैंने सर्च किया तो ऊपर से नीचे तक फेक 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 यही आ रहे थे सारे, कुछ कैंपस के वीडियो आ रहे थे और इसका एक चैनल भी है खुद का, 1.41K सब्सक्राइबर है उसके, ओके। हम कुछ बात कर लेते हैं आज इसके बारे में। एंड मैंने उनको जो कॉल सेंटर पर कॉल भी किया था, एंड तो मेरे को क्या रिजल्ट रिसीव हुआ, सबसे पहले मैंने पूछा कि भैया आपका एडमिशन क्या प्रोसेस है, तो मुझे कुछ नहीं बताया उसके बारे में। मैंने कहा आई एम ए स्टूडेंट और जस्ट आई वांट टू गेट एडमिशन इन दिस कॉलेज एंड मेरे को इसका प्लेसमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड जस्ट लाइक और भी स्टूडेंट की यहाँ पर लाइफ कैसी होती है, क्या सारा सीन है। किसी फीमेल टीचर से मेरी बात हुई थी आई थिंक, तो वो मेरे को बोलते हैं कि जस्ट आपको प्लेसमेंट के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए देन जो है आप हमको ईमेल डाल दीजिए। मैंने कहा भाई मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट ईमेल थोड़ा ना डालेगा, उसके पास वो आपको एडमिशन लेना चाहता है, वो आपका ग्राहक है, आप भगवान है, तो वो आपके पास ईमेल डालेगा कि आप मुझे प्लेसमेंट लिख के दो। यार फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है, क्वेश्चन भी है, मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, तो ये जो है आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल नीड है और जो है कॉलेज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ जो जानकारी कॉलेज आपको प्रोवाइड करे वो भी बिल्कुल करेक्ट, आप कॉल को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये खुद ही गवर्नमेंट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है। जो आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपके कॉलेज के पास कौन कौन सी वेरिफिकेशन डिग्रीज हैं, जैसे लाइक UGC AICTE एंड मैनी मैनी जितनी भी डिग्रीज होती है। देन आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर अपने जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है उससे फोटो भी आप उनसे मंगा सकते हैं या फिर विजिट भी कर सकते हैं, दिस इज ऑप्शन। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, आप उनसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपके पास कितने बच्चे इनरोल हैं, किन किन स्टडीज के अंदर कितने कितने बच्चे पढ़ते हैं, और ये इंस्टीट्यूट की पूरी जिम्मेदारी बनती है, मैं बिल्कुल क्लियरली बोल दूं कि वो बताए आपको कि हमारे पास इतने बच्चे पढ़ते हैं और हमारे वहाँ पर इतना प्लेसमेंट गया है इस कॉलेज से, इस कंपनी में इतने लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट है और ये लोवेस्ट प्लेसमेंट, ठीक है, नॉर्मल जस्ट लाइक, और एवरेज प्लेसमेंट इतना है। स्पेशली प्राइवेट कॉलेज वालों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कॉलेज वालों की, ठीक है, कि वो जस्ट स्टूडेंट अगर नीड हो चाहे तो वो अगर पूछे तो उनकी बताने की पूरी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि इतना प्लेसमेंट हमारे यहाँ से जाता है
अगर कोई अगर कॉलेज वाला नहीं बता रहा है आपको, देन यू कैन रेज द कंप्लेन रिगार्डिंग दिस, और जस्ट आप उसके अंदर एडमिशन बिल्कुल ही ना ले, क्योंकि उसका प्लेसमेंट होता ही नहीं है जनरली, जो आपको प्लेसमेंट बताएगा नहीं। और यार जिसका प्लेसमेंट होगा वो बताएगा ना, बिल्कुल बताएगा। अब आप उसको पूछते हो कि भैया कितना प्लेसमेंट होता है, कॉलेज वाला तुमको बोले कि तुम यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके देखो। अब मैं पटियाला पंजाब के अंदर बैठा हूँ, मैं पटियाला पंजाब से चंडीगढ़ से जो है फ्लाइट बुक करूंगा, 20,000 रुपीज फ्लाइट के दूंगा, ओके। और जस्ट मैं अरुणाचल प्रदेश जाऊंगा, देन वहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी में विजिट करूंगा, 2 दिन वहाँ पे रहूंगा, देखूंगा क्या सारा कैंपस है। बाद में जाके उनसे पूछूंगा, हेलो मैं पटियाला से आया हूँ, मुझे बताइए आप प्लेसमेंट कितना हुआ है, दिखाइए मुझे चार्ट शीट। और बाद में वो बोले कि यहाँ पे प्लेसमेंट जो है नॉर्मल हुआ है, न्यू कॉलेज है, प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है, फिर उसका क्या मतलब निकला, समझे आप। तो जस्ट जो है आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज के बारे में सोचते हैं, देन आप जो है फुल्ली क्लियरली उनसे पूछ सकते हैं, और प्रूफ डॉक्यूमेंट यानी कि उनका जो भी वो करवाते हैं ना चार्ट वगैरह, कि इस बच्चे का इतने एलपीए का प्लेसमेंट हुआ है। बहुत सारे 92% जो प्राइवेट कॉलेजेस जाते हैं वो तो अपनी वेबसाइट पे डालते रहते हैं कि भैया इंटर्नशिप या प्लेसमेंट हमारा इस कॉलेज में इतना इतना परसेंट होता है। अब क्या बताऊँ आपको प्राइवेट कॉलेजों की एक मनगढ़ंत कहानी, आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं बेस्ट प्राइवेट कॉलेज इन आपका स्टेट या फिर इंडिया, देन जो है वो गूगल पे एडवर्टाइजमेंट लगा के रखते हैं, बिडिंग वाइज चलता है वो, तो जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा उसकी वेबसाइट सबसे ऊपर आएगी गूगल पे। आपको वहाँ पे साइड में ADS एड्स ऐसे कुछ लिखा रहता है, आप उससे बिल्कुल सावधान रहें। उसमें क्या होता है, वो पैसे देके अपनी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव कराता है या फिर अपने आप को फर्स्ट पे दिखाता है, जिसे आपको सबसे बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है, और जो है आप किसी गलत हाथों में चले जाते हैं। और वहाँ पे जो है आपको सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है प्राइवेट कॉलेजों का, दिस इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर यार। वहाँ पे ना इतना लस ग्रीन कैंपस बनाया जाता है, हरियाली होती है, गार्डन होते हैं, बड़े बड़े रूम शीशे लगे होते हैं ताकि बच्चा जो है कैंपस देख के ही फंस जाए। रियलिटी तो ये है कि दस जो है ना वहाँ के जो टीचर होते हैं, दिस इज एन लेक्चर बेसिस, और जो है वो क्या करते हैं बच्चों को बोलते हैं ठीक है टाइम पास करो 4 बजे तक, अथॉरिटी है, लेब वगैरह रियल के अंदर कॉलेजों में हो ही नहीं रहे कुछ, रियलिटी है। अब ये कॉलेज कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करती है, दिस इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी बीटेक एंड अदर, दिस इज प्रोवाइडिंग सम MBA BCA BEd एंड मेनी मेनी बैचलर कोर्सेज। तो यार सबसे ज़्यादा जो अच्छा प्लेसमेंट होता है, दिस इज एन बीटेक कोर्सेज एंड MBA कोर्सेज। अब इसका जो प्लेसमेंट है आई थिंक इसकी गूगल वगैरह पे कहीं भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैंने कुछ बच्चों से कंसल्ट किया था जो भी मेरे कॉन्टेक्ट में आए, बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मिल पाई, और जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके अंदर यही रहा है कि दिस इज़ फेक, दिस इज़ फ्रॉड, फेक फ्रॉड, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे कि कॉलेज के तो क्या हालात हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके बारे में, एंड ये जो कॉलेज है ये कब ओपन हुआ है, एक ये भी क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चों का, ठीक है। एंड दिस इज एन प्राइवेट बॉडी यानी कि एक प्राइवेट कॉलेज है, और इस बार जो है हालांकि इसके एडमिशन वगैरह नहीं कंप्लीट हो पाते हैं, देन दिस इज पार्टिसिपेट इन CUET, आप वहाँ पे देख सकते हो CUET में भी इसने पार्टिसिपेट किया है। और जस्ट और कुछ आपको अगर इसके बारे में बताऊं तो ज़्यादा कुछ ठीक ठाक कंडीशन नहीं है, मैंने भी इनसे कंसल्ट किया था इनकी फैकल्टी से, देन आई नॉट रिसीव एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम दिस साइड। वो मेरे को बोलते हैं कि भैया तुम जो है तुम यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो, मैंने कहा हाँ, तो मेरे को बोलते हैं कि ठीक है तुम हमें ईमेल लिख के भेजो कि हमको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर हम आपको ईमेल पे जो है चेक करके या देखेंगे कि तुम्हारे सवाल जेन्युइन है कि नहीं, देन उसके बाद जो हम तुमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ये कॉलेज के काउंसलिंग डिपार्टमेंट या फिर एडमिशन हेल्पलाइन में जो नंबर दिए गए ना वहाँ पे किसी मैम ने जो मेरी टीम है उसको ये रिस्पॉन्स देते हैं कि तुम लोग जो है ऐसा ऐसा करो। मैंने क्लियरली जो है हमारी टीम ने उनको बोल दिया है कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बच्चों को जो है ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, स्पेशली जस्ट लाइक कितने बच्चे एनरोल है, कितना परसेंट प्लेसमेंट होता है, नहीं होता है, कहाँ पे होता है, कहाँ पे नहीं होता है। बट दिस इज टोल्ड मी, सी इज टोल्ड मी दैट कि आप जो है कैंपस में विजिट करो, जहाँ से भी आए हो कैंपस से विजिट करो, या फिर ईमेल लिख के भेजो, अगर आपका क्वेश्चन चाहिए देन हम बताएंगे, वरना बाय बाय, ठीक है। तो हम भी एडमिशन के लिए बाय बाय, ओके। तो जस्ट यार यूनिवर्सिटी वाले कोई अगर यूट्यूब वीडियो वॉच कर रहा है देन अपनी फैकल्टी को समझाएं, बिल्कुल क्लियरली समझाएं कि ये बच्चों की
नीड है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बताना कि कितना प्लेसमेंट होता है, कितना नहीं होता है, कितनी तुम्हारी फीस है, कितनी नहीं है। ये जस्ट गूगल पे एडवर्टाइजमेंट पे सी यू सी टी पे ये जस्ट लाइक बच्चों का टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है और देश को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा भी एक प्राइवेट कॉलेज है जो ऐसा है वैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी के लिए मेन इंपॉर्टेंट होता है बच्चों को संतुष्ट करना कम से कम, राइट। अब इनके पास मेंटरशिप डिपार्टमेंट ही एकदम बकवास है, जिनसे बात करना ही नहीं आता कि बच्चों से बात कैसे की जाती है तो कैसे कॉलेज चलेगा। फिर तो ऐसे ही वीडियो आएंगे ना यूट्यूब पे फेक 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 फेक, अगर जो फेक नहीं होगा फिर भी वो फेक ही रहेगा, राइट। दिस इज अप्रूव्ड ऑल द कोर्सेज, तो जस्ट आप सोच सकते हो, ठीक है, कॉलेज के हालात तो मैंने बता ही दिए, राइट। सो दिस इज वेरी बैड, हालात बड़ी ख़राब है। अब जैसे इसका कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कहीं पे कि भैया एसी है कि नहीं है, हॉस्टल में खाना कैसा बनता है, कहाँ से लेकर आए हैं, राइट। तो यार हालात बड़े ही ख़राब है। मैं आपको कभी भी फोर्स नहीं करता कि आप इसमें एडमिशन लो या ना लो, राइट। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या होता है जनरली जो है यूट्यूबर्स है या फिर कोई एंकर है वो अपनी भावनाएं आपको बताता है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो आप भी ऐसा सोचो, राइट। लेकिन आई नथिंग टोल्ड दैट, मैं आपको सिर्फ जो है इसकी अच्छाइयाँ बताता हूँ, बुराइयाँ बताता हूँ। देन जो है मैंने सारी की सारी बुराइयाँ ही बताई है, अच्छाई कुछ नहीं बताई है। भी आप पे डिपेंड करता है कि आपको अच्छा लगता है कॉलेज, देन यू कैन टेक द एडमिशन, एंड इफ आपको अच्छा नहीं लगता देन आपको एडमिशन ना ले। लेकिन कुछ आपको जो है इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, जस्ट यार आप UGC AICT एंड सिंपल ये जो सारे के सारे वैलिडेशन होते हैं एक तो आप ये चेक कर लें। देन अगर आप कहीं भी किसी भी, मैं इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, रेंडमली बोल रहा हूँ कॉलेजों के बारे में, किसी भी कॉलेज में विजिट कर सकते हैं वहाँ पर देखें। आप जस्ट जो है ये कॉलेज वाले सिंपली आपको इसलिए बुलाते हैं ताकि आप जो है उनके गार्डन जो होता है सुंदर सुंदर एकदम हरा भरा रस ग्रीन उसके चक्कर में फंस जाएँ, या फिर बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बिल्डिंगें लगी होती है, शीशे लगे होते हैं उसमें फंस जाए, बस इसीलिए आपको जो है बुलाया जाता है, मीठी गोली खिलाई जाती है। देन यू कैन टेक द एडमिशन दिस यूनिवर्सिटी। प्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटर्नशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ऐसे लोगों को तो इंटर्नशिप की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी कि इंटर्नशिप इसकी स्पेलिंग क्या होती है, और स्टार्टअप में एंटरप्रेन्योर होता है या एंटरप्रेन्योर होता है। दिस इज नथिंग टोल दैट, थैंक यू सो मच गाइज। और आई थिंक जस्ट मैंने कुछ आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी होगी, ठीक है, एंड दिस कॉलेज इज आउट फ्रॉम द इंजीनियरिंग वाला .in। थैंक यू सो मच गाइज, खूब पढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, धन्यवाद।